compass, we have 1 kilometer. We know that 1 kilometer, that is going to be equal to 10 raised to power 3 meters. Yes, sir. And if we are taking 1 nanometer, that is equal to 10 raised to power minus 9 meters. Yes, right? These are yes, the smaller units. Yes, if we are taking 1 picometer, 10 raised to power minus 12 meters. If we are taking 1 angstrom, then 10 raised to power minus 10 meters. Okay? And if we are taking 1 newton meter, then that is equal to 10 raised to power minus 6 meters. Yes, right? So this is what for length we can convert. Also, थोड़े से और से picometer, nanometer से बड़े units भी हैं, जैसे हमारे पास आ गया 1 centimeter. So 1 centimeter, that is going to be equal to 10 raised to power minus 2 meter. हाँ, minus 2 meters, ठीक है? और अगर हम 1 millimeter ले लें, तो 10 raised to power minus 3 meters. उसी तरह से हमारे पास और भी conversion factors होते हैं. जैसे for example, हम लोग ले रहे हैं प्रेशर के कन्वर्जन फैक्टर्स ले लेते हैं, हम ले रहे हैं 1 atmosphere, राइट? 1 atmosphere दैट इज इक्वल टू 1.008 bar. न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स बार को आने जरूरी है, राइट? सो 1 atmosphere दैट इज इक्वल टू 1.008 bar. आल्सो 1 atmosphere दैट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ मर्करी, right? Yes. Or it is equal to 760 centimeters of mercury. Or it is equal to a core unit hota hai pressure ka torr. Oh. Yes sir. ठीक है, so it is equal to 760 torr. ठीक है, या 1 atmosphere pascals भी एक unit है. Yes sir. Yes sir. So 1 atmosphere that is equal to 1 into 10 raised to power 5 pascals. ठीक है, तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स जो है वो हमको आने चाहिए. फिर उसके बाद वॉल्यूम जब हम करते हैं, तो वॉल्यूम के लिए हमें पता है कि अगर हम 1 लीटर ले रहे हैं, तो 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, है ना? एंड 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1000 सीसी, ठीक है? Or it is equal to 1000 ml. Yes, sir. 1 cc is equal to 1 ml. So that will become equal to 1000 ml. So 1 liter, kitne ml hua? 1 liter will also be equal to 1000 ml. ठीक है? Clear हो गया? Yes, sir. उसी तरह से हमारे पास, अच्छा इसपे एक और यूनिट आप लिख सकते हो, 1 mile. 1 mile दैट इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर. ठीक है, सो दीज आर अ फ्यू यूनिट्स विच यू शुड नो जब हम लोग कन्वर्जन करते हैं. अब जब कन्वर्जन करेंगे तो कन्वर्जन किस तरह से करते हैं, हम एक फैक्टर यूज करते हैं विच इज नोन एज कन्वर्जन फैक्टर. ठीक है, अब कन्वर्जन फैक्टर क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमको बोला गया है कि कन्वर्ट 6 miles इंटू किलोमीटर्स. कन्वर्ट 6 miles इंटू किलोमीटर्स. नाउ वी नो दैट ओवर हियर वी हैव रिटन दैट 1 mile, 1 mile that is equal to how many kilometers? 1.6 kilometers. ठीक है, सो यूनिट फैक्टर हम इसका निकालेंगे बाय यूनिटरी मेथड. अगर 1 mile is equal to 1.6 kilometers, तो 1 will be equal to what? That will be equal to 1.6 kilometers upon 1 mile. Yes, sir. Yes, sir. यूनिटरी मेथड से 1 यही हो गया, ठीक है? और हमको कितने कन्वर्जन करनी है, 6 miles की, so therefore 6 miles that will be equal to 1.6 kilometers upon 1 mile into 6 miles. Yes sir. Miles और miles करते हैं, yes, ठीक है? तो अभी आपके पास आ गया 6 6 36, 9.6 kilometer. So 6 miles that is equal to
9.6 kilometers. इस तरह से हम जो है वो कन्वर्जन करते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. हम ले रहे हैं, हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन फैक्टर पता होना जरूरी है. 1 liter एटमॉस्फेयर क्या होता है? दैट इज इक्वल टू 101.32 जूल्स. ठीक है. अब बोल रहे हैं कि कन्वर्ट 60 लीटर्स एटमॉस्फेयर इनटू जूल्स. अगर हमारे को ये ना पता हो सपोज, तो फिर हम लोग कन्वर्जन नहीं कर सकते. तो इसलिए हमें कन्वर्जन फैक्टर जो है वो पता होना जरूरी है, राइट? सो अब जब हम इसे करेंगे तो हम क्या करेंगे? 1 liter एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 101.32 जूल्स. यस मैम. ठीक है. सो यूनिटरी फैक्टर, इसका यूनिट फैक्टर क्या निकलेगा? 1 विल बी इक्वल टू 101.32 जूल्स अपॉन 1 लीटर एटमॉस्फेयर. ठीक है. और हमको कितना करना है? 60. सो 60 लीटर एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल टू 101.32 जूल्स अपॉन 1 लीटर एटमॉस्फेयर इनटू 60 लीटर एटमॉस्फेयर. ठीक है. ये और ये कट गया. सो यू मल्टीप्लाई दिस. 6 2s आर 12, 6 3s आर 18 एंड माइनस 19, 6 1s आर 6 एंd माइनस 7, 0, 6. ठीक है. और एक 0 भी था यहाँ पे. सो डेसिमल विल नाउ कम ओवर हियर. सो 60 लीटर एटमॉस्फेयर दैट इज इक्वल टू 6079.20 जूल्स. सो दिस इज योर कन्वर्जन फैक्टर्स. ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड? यस मैम. ओके. फिर उसके बाद हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हिच इज नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर करी थी तो हमने ये बोला था कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जो है वो दोनों प्योर सब्सटेंसेस हैं, है ना? सो हम एलिमेंट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कंपाउंड्स में इनटू कंपाउंड्स. ठीक है. अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि हमने दो एलिमेंट्स मिक्स करे और हमारे पास कंपाउंड बन गया. जैसे वॉटर इज अ कंपाउंड, तो इट डज नॉट हैपन कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पकड़ा, इकट्ठा किया, वाटर बन गया. ऐसे तो नहीं होता ना. तो हमको एलिमेंट्स को मिक्स करना पड़ता है थ्रू केमिकल मींस इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय वेट एंड वॉल्यूम. ओके. तो क्या क्या लॉज जो है या रूल्स जो है वो लगेंगे टू मेक वन और टू एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड्स, उन लॉज को हम क्या बुलाते हैं? दे आर नोन एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. सो फर्स्ट हमारा जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन. इट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. द लॉ वॉज पुट फॉरवर्ड बाय एंथनी लेवेजियर. एंथनी लेवेजियर को हम फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री भी बुलाते हैं. ठीक है. सो एंथनी लेवेजियर ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब भी कोई रिएक्शन होता है देन टोटल वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल वेट ऑफ द प्रोडक्ट्स. ठीक है. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया कार्बन और ऑक्सीजन. यस सर. ठीक है. और ये दोनों कंबाइन करेंगे टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड. यस मैम. राइट. सो यहां पे जब कार्बन है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन दैट इज इक्वल टू 12. यस मैम. ऑक्सीजन का हो गया 32. यस मैम. ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट दैट इज इक्वल टू 44. इसको और इसको अकॉर्डिंग टू द लॉ सम टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स is equal to the sum total mass of the products. Yes sir. तो आप sum total इसका करते हो तो ये 44 grams आ जाता है. Yes sir.
So 44 that is equal to 44. Yes, ma'am. Okay, so this proves the law of conservation of mass. Right? Yes, let's take another example. Hum log le rahe hain NaCl plus AgNO3. Yes, sir. Right? To give us NaNO3 plus AgCl. Suppose we are doing this reaction in a H-type tube. H type tube हमारी कैसी होती है? जैसे हमने दोनों तरफ एक हाँ, both are joined with an H. Yes, ma'am. Yes. इस तरह से हमने ले ली और ये बीच में इसकी partition है, right? अब हम रिएक्शन कर रहे हैं, हमने इसमें लिया NaCl सॉल्यूशन और हमने इसमें लिया AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है, एंड वी गेट बोथ द ट्यूब्स मिक्स विद ईच अदर, उन दोनों को हमने मिक्स होने दिया. यस सर. जब मिक्स होगा तो रिएक्शन हो जाएगी. मिक्स होने से पहले हम इस ट्यूब का वेट ले लेते हैं, राइट? सो जब हम इस ट्यूब का वेट ले लेंगे, लेट्स से मिक्स होने से पहले उसका जो वेट है दैट इज इक्वल टू x ग्राम्स, राइट? जब हमने मिक्स किया उसके बाद इसको स्टैंड होने दिया फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस, तो हम दोबारा से इसका वेट करेंगे, वी विल सी दैट आफ्टर रिएक्शन आल्सो द वेट ऑफ द ट्यूब इज ओनली x ग्राम्स. सो इट मींस कि जो इसका टोटल वेट था रिएक्शन होने से पहले वो भी x ग्राम्स था, जब रिएक्शन हो गई तो उसके बाद जो वेट लिया तो वो भी x ग्राम्स था. तो इट मींस कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट इज फॉलोड बाय दिस रिएक्शन. यस मैम. यस. क्लियर हो गया? यस. ओके, फिर सेकंड लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. सो सेकंड जो लॉ है हमारा दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन. लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन क्या बोलता है ये लॉ? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या डेफिनेट प्रोपोर्शंस भी हम इसको बुलाते हैं. दिस लॉ दैट वाज पुट फॉरवर्ड बाय जोसेफ प्राउस्ट. ठीक है, तो वो ये बोलता है कि अगर कोई भी हम कंपाउंड लें तो उसका कुछ भी सोर्स हो, हमेशा जो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं they do so in a fixed ratio by weight. So what is this law saying? Ki whatever the source of the compound may be, the elements combine in a fixed ratio by weight and volume. ठीक है, the elements they combine in a fixed ratio by weight and volume. So इसका मतलब ये हुआ कि अगर suppose हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं. यस सर. कार्बन डाइऑक्साइड के बड़े सारे सोर्सेस हैं. कार्बन डाइऑक्साइड हमें व्हीकुलर ट्रैफिक से मिलेगी, है ना? यस सर. यस मैम. हम लोग एक्सहेल करते हैं. यस सर. हम जो एक्सहेल करेंगे उससे भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है. ठीक है, प्लांट्स भी कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. सो देयर आर मेनी सोर्सेस जहां से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, पर हमेशा जो रेशियो कार्बन और ऑक्सीजन की रहती है दैट इज 1:8 बाय वॉल्यूम, सॉरी 1:2 बाय वॉल्यूम, 1 ऑफ कार्बन एंड 2 ऑफ ऑक्सीजन. और अगर हम बाय वेट इसका लें तो कार्बन का वेट कितना होता है? 12. और ऑक्सीजन का वेट कितना हो गया? 32. 2 है ना ऑक्सीजन, 2 × 60 = 32. तो ये 4 3s are और 4 8s are. यस सर. सो द रेशियो बाय मास
is to 8. And the ratio by volume, that is equal to 1 is to 2. चाहे कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलेगी, ठीक है? उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Yes sir, H2O. वाटर का? Yes yes sir. वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है? टैप से मिल सकता है, रिवर से मिल सकता है, सी से मिल सकता है। तो we have many sources of water. Yes sir. रेशो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की हमेशा क्या रहेगी? ठीक है, बाय वॉल्यूम और बाय वेट अगर हम देखते हैं तो इसका 2 ग्राम्स आ गया और ऑक्सीजन का 16 ग्राम्स आ गया. सो दिस इज गोइंग टू बी 1:8 बाय वेट. सो वाटर में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दे आर ऑलवेज कंबाइंड इन 2:1 बाय वॉल्यूम एंड 1:8 बाय वेट. व्हाटएवर द सोर्स ऑफ द कंपाउंड मे बी और व्हाटएवर द सोर्स ऑफ वाटर मे बी, ठीक है? So this is law of definite proportions. Okay. फिर उसके बाद next हमारे पास आता है third law of multiple proportions. This law was put forward by John Dalton. ठीक है, जॉन डेल्टन ने ये लॉ दिया था. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन टू कंपाउंड्स या मोर देन वन कंपाउंड लिख लेते हैं, ठीक है? क्या बोल रहे हैं कि अगर दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं और दो अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं, देन इफ द मास ऑफ वन इज केप्ट कॉन्स्टेंट इफ द मास ऑफ वन इज केप्ट कॉन्स्टेंट देन द सेकेंड एलिमेंट Second element bears a whole number ratio to each other. ठीक है? Yes sir. Example हम लेते हैं इसके. सबसे simple example लेते हैं पहले. Carbon जो है, carbon और oxygen combine करते हैं दो compounds बनाने के लिए. One is carbon monoxide. Yes sir. एंड अदर वन इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? अब यहाँ पे हमने कार्बन और कार्बन जो है वो फिक्स कर लिया. अगर हम कार्बन और कार्बन फिक्स करते हैं तो ऑक्सीजन की रेशियो यहाँ पे क्या आ जाएगी? 1:2. यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है. सो द रेशियो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1:2. इस लॉ को हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय टेकिंग एग्जांपल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट? यस सर. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो 5 ऑक्साइड्स बनाते हैं, यस सर, राइट? 5 ऑक्साइड्स कौन कौन से हो गए? फर्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे हम लाफिंग गैस बुलाते हैं, ठीक है? सेकेंड इज नाइट्रिक ऑक्साइड, थर्ड इज नाइट्रिक ट्राइऑक्साइड, फोर्थ इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड फिफ्थ इज नाइट्रोजन पेंटोक्साइड, ठीक है? यस सर. क्लियर हो गया? अब हम इसमें वेट ऑफ नाइट्रोजन ले लेते हैं. क्या क्या है? लेट्स टेक द वेट ऑफ नाइट्रोजन और हम लेते हैं वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? सो वेट ऑफ नाइट्रोजन इसमें कितना होगा? 2:14 दैट इज इक्वल टू 28. वेट ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे हो गया 14, यहाँ पे हो गया 28, फिर यहाँ पे हो गया 14 और यहाँ पे हो गया 28. ओके, उसी तरह से वेट ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे 16, यहाँ पे भी 16, ठीक है? यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3:16 दैट इज
48, 32, yes ma'am, aur yahan pe 5 into 16 that is 80. ठीक है, yes, now what do we have to do according to the law? हमको नाइट्रोजन को फिक्स करना है. yes, so नाइट्रोजन का मिनिमम वेट कैन बी टेकन एज 14. so हम सबको 14 पे फिक्स कर देते हैं. yes, इसको हम 14 पे फिक्स करेंगे. yes, 14 ऊपर है तो इसको भी फिक्स करना पड़ेगा, हमको काटना पड़ेगा. ठीक है, उसी तरह से इसको भी काट देते हैं 14 और ये हो जाएगा 24. yes, sir. ये 14 ही है तो वी नीड नॉट टच. इसको भी चेंज करते हैं 14 और ये आ जाएगा 14. सो हमारे पास आया 8 is to 16 is to 24 is to 32 is to 40. सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करते हैं. 8 ones are 8 2s are 3s are 4s are 5s are. So the ratio of oxygen will be 1 is to 2 is to 3 is to 4 is to 5. Got it? Yes. So ये Dalton's law को बहुत अच्छे से prove करता है. Yes. ये वाला जो हमने example दिया है. Then let's go on to the fourth. Fourth जो हमारा है that is law of reciprocal proportions. ये वाला law आपको NCERT में नहीं दे रखा, reference book में दे रखा है. Yes, ma'am. Law of this law was put forward by Richard, right? Yes, sir. अब ये law क्या बोलता है? हमने जो law of क्या कहते हैं उसको मल्टीपल प्रोपोर्शन दिया, उसमें हमने दो एलिमेंट्स को कंसिडर किया. yes, yes, sir. अब इसमें हम तीन एलिमेंट्स को कंसिडर करेंगे, तीन एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं. yes, और तीन डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं. yes, sir. ठीक है, सो हम पहला एग्जांपल देते हैं हाइड्रोजन सल्फर और ऑक्सीजन का. yes, sir. राइट, सो यहाँ ले लिया हमने हाइड्रोजन सल्फर एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन और सल्फर बनाता है H2S. yes, sir. सल्फर और ऑक्सीजन बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और ये बनाता है वाटर. yes, yes, sir. ठीक है, नाउ लेट्स टेक H2S एंड H2O. राइट, सबसे पहले H2S में चलते हैं. H2S में 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम्स ऑफ सल्फर के साथ कंबाइन कर रहा है? 32. एटॉमिक मास इज 32. सो कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ सल्फर. यस सर. राइट, सो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा? 16 ग्राम ऑफ सल्फर के साथ. यस सर. ठीक है, सिमिलरली जब हम वाटर लेते हैं वाटर में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है? 16. ठीक है, 16 ग्राम. तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा? 8 ग्राम. ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे रेशियो देखो सल्फर की और ऑक्सीजन की, तो रेशियो ऑफ सल्फर इज टू ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 16 is to 8. यस सर. और दैट इज इक्वल टू 2 is to 1. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सल्फर अपॉन ऑक्सीजन दैट इज इक्वल टू 2 upon 1. जब सल्फर और ऑक्सीजन इन दो एलिमेंट्स में 2 is to 1 की रेशियो में कंबाइन कर रहा है, yes, तो यहाँ पे जो सल्फर कंपाउंड बनाएगा, yes, उसकी रेशियो यहाँ 1 is to 1 होनी चाहिए या 2 is to 1 होनी चाहिए. yes, तो हम यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन की देखते हैं, तो सल्फर 32 ग्राम्स हुआ ना. yes, ma'am. 32 ग्राम्स ऑफ सल्फर कितने के साथ कंबाइन कर रहा है यहाँ पे? 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा? 1. यस सर. सो व्हाट इज द रेशियो? 1 is to 1. और वी कैन से दैट सल्फर अपॉन ऑक्सीजन ओवर हियर इज इक्वल टू 1 upon 1. यस सर. ठीक है, और वहां पे सल्फर अपॉन ऑक्सीजन कितना था? 2 is to 1.
तो अगर सल्फर इसमें इस तरह से कंबाइन करता है तो सेकंड के साथ वो कैसे कंबाइन कर रहा है इन द रेशियो 2:1 व्हिच इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस. यहाँ पे सल्फर 1 है, वहां पे सल्फर 2 है. सो यहाँ पे सल्फर की वॉल्यूम 1 है, ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन की वॉल्यूम 2 है. सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शंस. हैव यू अंडरस्टूड? यस मैम. एक और एग्जांपल लेके देखते हैं हम टू मेक इट मोर क्लियर. यहां से क्लियर हो गया देन वी नीड नॉट टेक एनी मोर एग्जांपल. अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक और एग्जांपल ले सकते हैं. हम ले लेते हैं हाइड्रोजन, ठीक है, और हम ले लेते हैं सोडियम और हम ले लेते हैं क्लोरीन, राइट. अब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम भी क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा टू मेक सोडियम क्लोराइड, ठीक है. अब अगर आप रेशियो यहां पे देखो 1:1, यस सर, ठीक है, तो अगर सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ एक कंपाउंड बनाएगा तो उसकी रेशियो भी क्या होनी चाहिए 1:1, ठीक है. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन NaCl. HCl में रेशियो 1:1 हो गई और NaCl में भी रेशियो क्या हो जाएगी 1:1. यस सर. हैव यू अंडरस्टूड? यस मैम. ओके, सो नेक्स्ट लॉ जो हमारा है दैट इज Gay-Lussac's law of combining volumes. The fifth law Gay-Lussac's law of combining volumes. अब ये Gay-Lussac's law of combining volumes जो था, ये हमें combination of gases के बारे में बताता है. क्या बोलता है ये gas, ये law, sorry, कि if two gases combine to give a third gas. ठीक है, इफ टू गैसेस दे आर कंबाइनिंग टू गिव अस अ थर्ड गैस देन ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बेयर अ होल नंबर रेशियो. ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल. हम ले रहे हैं हाइड्रोजन व्हिच इज अ गैस प्लस क्लोरीन व्हिच इज अनदर गैस, ठीक है, और ये कंबाइन कर रही है तो के पास HCl व्हिच इज अगेन अ गैस. तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वन वॉल्यूम है इसकी, है ना, यहाँ पे वन वॉल्यूम है इसकी और उसकी कितनी वॉल्यूम हो गई 2. सो द रेशियो इज गोइंग टू बी 1:1:2. ठीक है, क्लियर हो गया? ओके, सो दिस इज Gay-Lussac's लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स. ये वाला जो लॉ था बेसिकली ये बर्जिलस हाइपोथेसिस से डिराइव किया गया था. बर्जिलस हाइपोथेसिस से डिराइव किया गया था. क्या बोलता है ये वाला बर्जिलस हाइपोथेसिस? इससे बोला कि जो एटॉमिक एटम्स हैं वो भी कंबाइन कर सकते हैं टू गिव अस मॉलिक्यूल्स. तो उसने रादर देन टेकिंग 1:1 रेशियो ऑफ दिस, उसने हाफ ऑफ H2 ले लिया प्लस हाफ ऑफ Cl2 ले लिया, ठीक है, और वन वॉल्यूम ऑफ HCl इससे डिराइव कर दी. बट सेड कि ऐसे तो पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शंस में हम रेशियो कभी भी नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एग्जिस्ट ही मॉलिक्यूलर फॉर्म में करता है, एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. अगर वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा
तो टू टेक हाफ ऑफ हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी रॉन्ग. तभी करके जो बर्जिलस का ये जो उसने स्टेटमेंट दिया था उसको एज ए लॉ स्टडी नहीं करते हम, इट इज स्टडी एज हाइपोथेसिस. हाइपोथेसिस इज समथिंग कि जिसकी हमने स्टेटमेंट डाल दी बट उसको प्रूव नहीं कर पाए उसको हाइपोथेसिस बुलाते हैं. तो बर्जिलस अपनी स्टेटमेंट को प्रूव नहीं कर पाया इसलिए वो हाइपोथेसिस ही रह गया. बट लेटर ऑन एवोगैड्रो ने इसके ऊपर काम किया था. ठीक है, सो बर्जिलस हाइपोथेसिस पे जब एवोगैड्रो ने काम किया तो उसने बोला कि हम किसी भी एक कंपाउंड को बोलते हैं या किसी भी एक एलिमेंट को बोलते हैं कि दो तरह के उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं. वन विच इज नोन एज एन एटम, ठीक है, एंड द अदर वन विच इज नोन एज कंपाउंड एटम. एटम का मतलब हुआ कि हाइड्रोजन जो है इट कैन एग्जिस्ट एज एच विच इज एन एटम. और जब हाइड्रोजन एज एच टू एग्जिस्ट करेगा तो उसे हम क्या बुला देंगे, कंपाउंड एटम. और इस कंपाउंड एटम को लेटर ऑन क्या बुलाया गया, मॉलिक्यूल. Have you understood? Yes, so this yes, is what the Gay-Lussac's law is. Then the last law which we are going to do, that we will do tomorrow. Pehle deltas atomic theory karenge. Yes sir. Theek hai? Iske questions.